हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम एक रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। एक और फैक्ट हम आपके सामने पेश करेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 10 थीटा क्यों होती है। तो इसे जानने के लिए हम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। उसके लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसका मैंने नेम रखा ए बी सी। उसके बाद मैंने सी पॉइंट पर 90 डिग्री को शो किया। इसका मतलब है जो ट्रायंगल राइट एंगल को शो करता है उसको हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं, यानी हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट सी। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने राइट ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम राइट ट्रायंगल से ही हेल्प लेते हैं। अब देखिए, पॉइंट ए पर मैंने एंगल की फॉर्मेशन की और उसकी नेमन की मैंने थीटा। अब हम इस ट्रायंगल की हर साइड की नेमिंग करेंगे। देखिए, किसी से दोस्ती करते हैं तो उसका नाम जानना तो जरूरी होता है ना। तो उसके लिए साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनियस, यानी जो पॉइंट सी है उस पर राइट एंगल बना हुआ है उसके सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। यानी हमें साइड ए बी का नाम पता चला, इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। नेक्स्ट देखिए, साइड कंटेनिंग एंगल थीटा इज कॉल्ड बेस, यानी जिस साइड पर थीटा होल्ड हो रहा है, जिस साइड ने थीटा को कंटेन किया है उस साइड का नाम होता है बेस। यानी हमें पता चला साइड ए सी इन दिस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉल्ड एज बेस। नेक्स्ट, रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर। अब रिमेनिंग साइड है कौन सी, बी सी, इट मीन्स साइड बी सी इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। तो ये सारा मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया अबाउट अ राइट ट्रायंगल, एंड दिस राइट ट्रायंगल इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। So now one important fact, always right triangle will help us to understand the concept of trigonometry as I told you many times. For this I am going to make this right triangle, देखिए base है जहाँ पर angle theta की formation हुई है उसी को base बोलते हैं, जहाँ 90 degree angle है उसके सामने वाले को hypotenuse ही बोला मैंने as I told in the last page. And the remaining third side BC is perpendicular. मैंने base को B से present किया, hypotenuse को H से present किया और perpendicular को P से present किया। अब बड़ा ही interesting way है इस topic को समझने के लिए, उसके लिए हमें एक quotation याद करनी पड़ेगी, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे हर हर भोले। P से perpendicular, B से base, फिर से P आया, it means perpendicular. नीचे आया H यानी हाइपोटेन्यूज, एक और H, इट मींस अगेन हाइपोटेन्यूज, एंड B मींस बेस। अब देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। जो फर्स्ट लेटर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, P ओवर H, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा। हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है कॉस थीटा, और नेक्स्ट हमारी कोटेशन में b अपॉन h, ये किसके लिए आया है, cos थीटा के लिए। नेक्स्ट देखिए, लास्ट p अपॉन b जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, tan थीटा को। तो इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम भी हमारी हेल्प करने वाली है, जो कि होती है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की लास्ट पेज पर, हम उसको प्लेस करते हैं। साइन थीटा था पी अपॉन एच, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है हमारा तो हमें पी अपॉन एच का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू है बी अपॉन एच, बट हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा तो हमने बी अपॉन एच का भी स्क्वायर किया। दोनों के स्क्वायर ओपन किए तो पी अपॉन एच का स्क्वायर हुआ पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऐसे ही b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो अब हमने, क्योंकि बीच में प्लस है तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो h स्क्वायर और h स्क्वायर का एलसीएम हुआ h स्क्वायर, और न्यूमरेटर एज इट इज आए क्योंकि हमारी दोनों टर्म लाइक थी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
तो हमें पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हुए, इसीलिए दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या बनाएंगे, 1। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। हम पहले इसे सिर्फ लर्न करते थे, अब हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आता है। ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैसे टेन थीटा के इक्वल आती है, लेट्स सी। तो साइन थीटा की वैल्यू है पी अपॉन एच और डिवाइड में कॉस थीटा है, तो मैंने डिवाइड करके कॉस थीटा की वैल्यू जो कि है बी अपॉन एच उसे लिखा। और हमें पता है कैसे हम डिवाइड सॉल्व करते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्शन, हम डिवाइड को पहले बनाते हैं मल्टीप्लाई, ऐसा करते वक्त हमें नेक्स्ट टर्म का क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल। तो बी अपॉन एच का रेसिप्रोकल हुआ एच अपॉन बी। अब एच और एच दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन होता है, तो हमारे पास आंसर आया p अपॉन बी। और p अपॉन बी हमें किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यानी p अपॉन बी जो है हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि क्या है टेन थीटा। तो हमने प्रूव किया, ये ऑब्जर्व किया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल आता है। तो जो हमें याद है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, आज हमने सीखा कि उसके पीछे राज क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई और आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएंगे ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके।